नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास का ये हमारा पहला पार्ट है जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत पर विदेशी आक्रमण। आधुनिक भारत में जो भारत पर आक्रमण हुए वो पश्चिम से हुए, और पश्चिम से भारत पर दो आक्रमण हुए, जिसमें पहला आक्रमण नादिर शाह और दूसरा आक्रमण अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में हुआ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के जो आक्रमण हुए उनकी विस्तृत चर्चा। तो आइए जानते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हमारे किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल आईडी हमें किसी भी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का आक्रमण। सबसे पहला जो आक्रमण हुआ पश्चिम से वो नादिर शाह के नेतृत्व में हुआ। नादिर शाह ने आधुनिक भारत में पहला आक्रमण किया, क्योंकि उस समय जो मुगल साम्राज्य था उसका विघटन हो रहा था, उसके जो शासक थे वो बहुत ही कमज़ोर थे। तो इसी का फ़ायदा उठा करके ईरान से जो है ये आक्रमण हुआ। अगर हम बात करें नादिर शाह की, तो नादिर शाह जो है वो फारस का शासक था, और उसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। पहला ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था, और वो फारस का शासक था। नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने के लिए क्यों बाध्य हुआ? तो इसका सीधा सा संबंध ये था कि भारत की जो अपार धन संपदा थी, इसने नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। पहला जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि भारत की अपार धन संपदा, जिसको लूट करके वो अपनी सेना और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था, क्योंकि नादिर शाह के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, और सेना के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत जो है उसको सुटेबल दिखाई दे रहा था कि यहाँ से धन लूट करके और वो अपनी सेना और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करेगा। इसके अलावा एक और जो दूसरा कारण था जो भी महत्वपूर्ण था, कि जो मुगल साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, और इसी कमज़ोरी ने भारत पर आक्रमण को और आसान कर दिया। जून 1738 ईस्वी को नादिर शाह ने सबसे पहले गजनी नगर में प्रवेश किया। जो भारत पर आने का जो क्रम था, उस क्रम में सबसे पहले जो नादिर शाह था वो गजनी नगर में पहुंचा, और इसके बाद उसने काबुल पर अधिकार किया। तो गजनी पर अधिकार करते हुए उसने काबुल पर अधिकार किया, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, तो उसने जहां पर भी आक्रमण किया वहां से वो विजयी होकर के ही आया। इसके बाद आगे बढ़कर उसने सिंधु नदी को पार किया और लाहौर में प्रवेश किया। तो गजनी काबुल होते हुए वो लाहौर पहुंचा। लाहौर जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर जो शासक था, जो शासक का नाम था वो था जकारिया खां। जकारिया खां जो था वो उस समय लाहौर का गवर्नर था। तो जकारिया खां ने बिना युद्ध किए ही अपने हथियार डाल दिए। इसके अलावा उसने नादिर शाह को उस समय 20 लाख रुपए और हाथी दे करके अपने आप को और लाहौर की जनता को उसके आक्रमण से बचाया। चूँकि जो नादिर शाह था, इसके ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये लूटपाट और कत्लेआम काफ़ी करता था। दिल्ली पे इसने काफ़ी कत्लेआम किया, काफ़ी लोगों को इसने मौत घाट उतारा। यहाँ से नादिर शाह सरहिंद पहुँचा, सरहिंद से अंबाला, और अंबाला होते हुए वो करनाल पहुँचा। इट मींस वो दिल्ली के नज़दीक पहुँचा, पंजाब हरियाणा होते हुए वो दिल्ली पहुँचा। सबसे पहले उसका करनाल में जो आक्रमण हुआ, तो वहाँ पर उसको मुग़लों से सामना करना पड़ा। अब हम बात करेंगे करनाल के युद्ध की। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ। चूंकि इसके पहले नादिर शाह ने आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी आक्रमण किए हुए थे, क्योंकि वो अंबाला और काबुल, गजनी और लाहौर, इन सभी पर आक्रमण कर चुका था, तो इन सभी चीज़ों से भयभीत होकर के तत्कालीन मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह का करनाल नामक स्थान पर नादिर शाह से युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद शाह का जो साथ दिया वो निजामुद मुल्क, कमरुद्दीन और खाने दौरा ने दिया। बाद में सादत खां भी उससे आ मिला। तो ये जो युद्ध था ये मोहम्मद शाह के द्वारा अकेले लड़ा गया। इसमें आसपास के जो कई स्वतंत्र राज्य और उसके जो भी महत्वपूर्ण सेनापति थे, उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया। जैसे अगर हम बात करें सादत खां की, तो जो सादत खां था वो एक स्वतंत्र राज्य अवध था। उस समय अवध जो है स्वतंत्र हो चुका था, तो उस स्वतंत्र राज्य अवध का जो है वो शासक था। इसके पहले वो आगरा का सूबेदार भी रह चुका था। तो जो सादत खां था उसको बुलाया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा
नादिर शाह के विरुद्ध अभियान के लिए इसको वहाँ से बुलाया गया था। तो सादत खां भी जो है इस युद्ध में उसने भाग लिया। बात करें इसके परिणाम की, तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो युद्ध था वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे चला। इसमें खाने द्वारा मारा गया जबकि सादत खां को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध के बाद सम्राट ने निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बना दिया। चूँकि अब युद्ध में हार हो चुकी थी तो जो सम्राट था उसने निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बना दिया। इससे क्या हुआ, जो सादत खां था वो नाराज़ हो गया, क्योंकि जो सादत खां था वो मीर बख्शी बनना चाहता था। तो मीर बख्शी ना बनने के कारण वो जो है सम्राट से नाराज़ हो गया और उसने जो है नादिर शाह को धन का लालच दे करके दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा। तो दिल्ली पर जो आक्रमण करने का जो निमंत्रण दिया वो किसने दिया, सादत खां ने। क्यों दिया, एक बहुत बड़े धन का लालच दे करके उसने दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा, क्योंकि उसको जो है मीर बख्शी का पद नहीं मिला था। मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और चूंकि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है नादिर शाह से युद्ध कर सके, ना ही मुग़ल सम्राट और ना ही आसपास के स्वतंत्र राज्य थे उनमें, तो जैसे वो दिल्ली पहुंचा वहां उसने सादत खां द्वारा किए गए वादे के अनुसार 20 करोड़ रुपए की मांग की। चूंकि 20 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी तो इस वजह से इस मांग को पूरी ना कर पाने के कारण जो सादत खां था उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली। अब क्या हुआ कि जो नादिर शाह था वो दिल्ली में 57 दिन तक रहा और इस दौरान उसने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भीषण कत्लेआम और लूटपाट की। इसी लूटपाट के क्रम में जब वह वापस लौटा तो वह अपने साथ विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी ले गया और इस तरह उसने अपार धन संपदा जो है दिल्ली से लूटी। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। तो जो नादिर शाह का पुत्र था नासिरुल्लाह मिर्जा, उससे मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह किया। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो नादिर शाह था वो अपना जो विजित प्रदेश था वो पुनः मोहम्मद शाह को सौंप करके वापस चला गया और उसको पुनः अपने नाम के सिक्के और खुतबा पढ़ने का जो है आदेश दे दिया। जब तक वो 57 दिन तक रहा तब तक जो दिल्ली का सम्राट रहा वो नादिर शाह ही रहा। बाद में उसने ये अधिकार पुनः मोहम्मद शाह को दे दिए। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, तो यहाँ से जो है जो नादिर शाह था वो धन संपदा, क्योंकि उसका ही मेन एम था तो वो धन संपदा लेकर के वापस चला गया। अब आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का एक योग्य सेनापति था, चूँकि वह पूर्व में भी भारत आ चुका था, इस वजह से उसको ये पता था कि भारत में किस चीज़ों की संभावना है। अहमद शाह अब्दाली 1747 ईस्वी को नादिर शाह की सहायता से कंधार का स्वतंत्र शासक बना। जो कंधार था इसका स्वतंत्र शासक नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को बना दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच भारत के विरुद्ध 7 आक्रमण किए। सबसे पहला जो आक्रमण किया अब्दाली ने वो पंजाब पर किया। पंजाब पर ही उसने दूसरा आक्रमण भी किया, चूँकि पहला आक्रमण उसने किया वहाँ पर अपने कुछ विश्वास पात्रों को उसने नियुक्त किया, लेकिन बाद में कर ना मिलने के कारण, नियमित रूप से कर ना मिलने के कारण उसने 2 बार 3 बार पंजाब पर ही आक्रमण किया। वहाँ के गवर्नर जो म्यूनल मुल्क थे उसको उसने पराजित किया और यह पराजित किया उसने दूसरे आक्रमण में उसने वहाँ के गवर्नर म्यूनल मुल्क को पराजित किया, लेकिन बाद में फिर कर मिलने में उसे समस्या हुई, उसको नियमित रूप से कर नहीं पहुँचता था तो उसने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया। उसका जो चौथा आक्रमण था वो इमादुल मुल्क को सजा देने के लिए किया गया था और सजा का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ था, समय से करना मिलना। तो पहले जो उसके आक्रमण हुए वो सिर्फ और सिर्फ धन के लिए थे। बाद में 1756 में अब्दाली ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया और जनवरी 1757 को उसने दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया। दिल्ली शहर पर कब्जा करने के बाद उसने भी नादिर शाह की तर्ज पर लूटपाट और कत्लेआम किया, क्योंकि उसका भी मेन उद्देश्य था यहाँ से धन संपदा को लूटना। नादिर शाह के बाद जो अब्दाली था यह भी लगभग 1 महीने तक दिल्ली में रहा और उस समय जो वहाँ का जो शासक था 1757 के समय, तो
1757 में भी वो दिल्ली के शासक बना रहा, और जो उस समय जो मुगल शासक थे उनको उसने गद्दी से हटा दिया। अहमद शाह अब्दाली ने नजीबुद्दौला को अपने साम्राज्य का अमीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट नियुक्त किया। जो अहमद शाह अब्दाली था वो पुनः वापस चला गया यहाँ से धन संपदा लूट करके, और यहाँ का जो उसने शासक नियुक्त किया वो अपना जो साम्राज्य था उसका जो मीर बख्शी था उसको नजीबुद्दौला को उसने अपना मीर बख्शी और मुख्य एजेंट नियुक्त किया। ये बात है 1757 की। इसके बाद 1758 में पेशवा रघुनाथ राव जो कि मराठा सम्राट थे, तो मराठों में जो पेशवा थे रघुनाथ राव ने दिल्ली पर कब्जा किया। वो दिल्ली पहुँचे और अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त नजीबुद्दौला को उन्होंने दिल्ली से निकाल दिया। मराठों की इसी चुनौती को तोड़ने के लिए अब्दाली जो है पुनः भारत आया। तो अब्दाली जो है मराठों से बदला लेने के लिए वो पुनः भारत आया, और इसके बाद 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो पानीपत के तृतीय युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो यही था कि जो पेशवा रघुनाथ राव थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, और चूंकि दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली पहला आक्रमण कर चुका था और वो उसके ही संरक्षण में था, तो इस वजह से उसने बदला लेने के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में पेशवा के पुत्र विश्वास राव और सदाशिव राव दोनों पुत्र मारे गए, और मराठों की इस युद्ध में पूर्ण रूप से पराजय हुई। वो बहुत ही बुरी तरीके से इस युद्ध में पराजय हुई। और अगर हम मराठा इतिहास की बात करें तो जो मराठा इतिहासकार हैं उन्होंने ये यहाँ तक के लिखा है कि जो ये युद्ध था पानीपत का तृतीय युद्ध, इस युद्ध में इतनी जान माल की हानि हुई थी कि महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने अपने किसी न किसी सगे संबंधी को ना खोया हो। तो इसमें लगभग 70-75 हज़ार सैनिक जो है मारे गए, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट जो भी है इसका अभी तक अनुमान नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे बहुत भीषण जान माल की हानि हुई थी। यहाँ से जाने से पहले अब्दाली ने शाह आलम को सम्राट जो कि उस समय थे, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। तो जो भी नियुक्तियाँ हुई वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ही हुई, चाहे वो सम्राट बनाना हो, चाहे वो नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बनाना हो, या फिर वजीर का पद, सभी जो है अहमद शाह अब्दाली के संरक्षण में ही रहे। अब्दाली का छठा आक्रमण सिखों को सजा देने के लिए हुआ। बाद में इसने जो है सिखों का दमन करना चाहा, क्योंकि सिख जो है ज़्यादा विरोध करते थे, तो जो छठा आक्रमण हुआ वो भी सिखों को सजा देने के लिए हुआ। इस तरह नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण और मुगल सामंतों के आपसी झगड़ों के कारण 1761 तक मुगल का अस्तित्व केवल दिल्ली राज्य तक ही रह गया था, क्योंकि उस समय तक आसपास के कई क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, और जो सम्राट था वो सिर्फ और सिर्फ अपने सामंतों, अंग्रेजों और विदेशी आक्रमणकारियों की कठपुतलियां बनकर रह गए थे। तो इस तरीके से जो मुगल शासन था उसका भी अंत होता है, और उनका जो साम्राज्य था उसका भी अंत होता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो भी महत्वपूर्ण 16 और 17 शताब्दी में यूरोपीय यात्री आए, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।